अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बटर चिकन की रेसिपी। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो बनाने के लिए तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से तैयार होने वाला ये बटर चिकन है। आप इसको इफ्तारी या सहरी में नान, पराठा या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। आप चाहें तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। पर ये बटर चिकन जो है बोनलेस से ही बनता है। यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे एक लेमन जूस जो मैंने पहले निकाल के रखा हुआ है। साथ ही इसमें जाएगा ये एक टेबल स्पून भर के पेपरिका पाउडर का, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे। तमाम स्पाइसेस एक टेबल स्पून डाल देंगे। यहाँ पर दही का 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, अदरक। और अब इसको एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। यहाँ पे चिकन जो है मैरिनेट हो गया है। यहाँ पे एक मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ऑयल के डाल देंगे। फ्लेम को जो है हमने हल्की रखना है पहले। यहाँ पे ऑयल जो अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। चिकन जो मैरिनेट किया है हमने वन बाई वन करके फोन की मदद से, मैं हाथों की मदद से, अब इसके अंदर फ्राइंग पैन में हम डालते जा रहे हैं। बेसिकली हमें इसको फ्राई करना है चिकन को अच्छी तरह से। यहाँ पे चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए ईच साइड हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अपना पानी रिलीज़ ना करें। अगर 2 से 3 मिनट हो रहे हैं चिकन को फ्राई होते हुए, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा फीका फीका सा बन जाएगा चिकन। तो इसको थोड़ा सा गीला गीला ही रहने देंगे और इसको उसकी साइड भी अच्छी तरह से चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से तमाम चिकन की साइड जो चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 2 से 3 मिनट जो है मैंने दूसरी साइड से भी इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पानी नहीं है, ना ही आपने इसको ज़्यादा ड्राई करना है, ना ही आपने इसको ज़्यादा गीला गीला रखना है। तो इसी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसी तरह से मैं दूसरा बैच जो है चिकन का वो भी डाल के इसी तरह से 2 से 3 मिनट ईच साइड पका लूँगी। चिकन जो है मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल दिया है और यहाँ पे एक मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑयल के डाल देंगे। ऑयल डालने के साथ थोड़ा सा टेस्ट जो है अच्छा अच्छा सा रहेगा, ज़्यादा बटरी सा, ज़्यादा हैवी नहीं होगा। तो यहाँ पे साथ इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के मक्खन के। आप चाहें तो अनसॉल्टेड या फिर सॉल्टेड डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ मक्खन। तो यहाँ पे इसको एक स्पैचुला की मदद से निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से इसको मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे साथ साथ ये मक्खन भी मेल्ट हो रहा है, तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन, पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक। अब एक स्पैचुले की मदद से लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर साइड से ये फ्राई होना शुरू हो जाए। जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो है शूट हुआ नहीं है, तो मैं आपको इसी स्टेप में बता देती हूँ। आपने इसमें नमक डालना है हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च डालनी है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च डालनी है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डालना है आपने पिसा हुआ ज़ीरा, और डालना है 1/4 टीस्पून गर्म मसाला, 1/4 टीस्पून डालना है आपने सूखा धनिया। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 टमाटो की प्यूरी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे स्पाइसेस अदरक लहसुन में मिक्स होते हैं, फ्राई होते हैं, तो साथ ही इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसको टमाटर की प्यूरी को डाला है और ऑयल जो अभी सेपरेट नहीं हुआ है, तो अभी इसको पकाएंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको ऑयल को सेपरेट होते हुए, फ्लेम जो अभी भी लो ही है। अब इसको अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे स्पेशल की मदद से और अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। टमाटर की कोई भी इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भून लेंगे पहले। अगर टमाटर अच्छी तरह से भुने होंगे तो ही ज़्यादा टेस्ट जो है अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पहले भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस ग्रेवी को 5 मिनट भूना है और ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब साथ ही इसमें जो चिकन हमने फ्राई किया था इसको डाल देंगे और अच्छी तरह से एक स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी जो है चिकन पे लग जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट जो है चिकन को ग्रेवी के साथ भून लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है चिकन में चला जाए ग्रेवी का।
अब साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी के। आप चाहें तो इसमें 1/2 कप पानी का भी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे बटर चिकन जो है रेडी है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है। तो अब फ्लेम जो है बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको नान के साथ, रोटी के साथ या फिर सहरी में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, टेस्ट में भी अच्छा है, जल्दी जल्दी बन जाता है। कुछ समझ ना आए तो आप ये रेसिपी जो है बना सकते हैं। बाउल में डालने के बाद आप इसको क्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं लुक बढ़ाने के लिए। फिर आप इसको मिक्स करके खा भी सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, अफ्तारी में, सहरी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।